अरे भाई कहाँ ले आए हो तुम सर यहाँ हरलमा पे? हरलमा में मैं जब आया था पिछली दफा मेरा दिल यहीं रह गया। क्यों? तो मैंने कुछ पंखड़ियाँ लिखी हैं। जी जी। कि ये हकीकत है या है ये शराब? अच्छा, ये हकीकत है या है ये शराब? यहाँ से जाते ही मेरे वसीम बदामी का गला हो गया खराब। बात तो सही है, बहुत बात तो सही है। अच्छा, तो मैं बताइए, मैं आपसे ये आज आपने ये अपना मेट्रोपॉलिटन स्कूल का जो यूनिफॉर्म पहना है सर फॉर्मल फॉर्मल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये शायरी आपने कब और कैसे शुरू की? अरे शायरी के लिए इश्क करना जरूरी है। ए पत्थर दिल शख्स तू कभी नहीं कर सकता मेरे भाई। इसके लिए तो दिल की जमीन नर्म होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने बासित भाई के लिए एक शेर लिखा है। अच्छा। इरशाद के इरशाद। पांच को करो आधा तो बनते हैं ढाई। पांच को करो आधा तो बनते हैं ढाई। हम सब की जान है बासित भाई। सर मेरा इरशाद इरशाद हो गया हो गया हो गया। अच्छा, बताइए कि इरशाद सो गया? इरशाद सो गया। दुनिया में मतलब बहुत लोग बड़े परेशान हैं। मेरा हमेशा सवाल रहता है, ये हमारे जो शायर हैं ये इतना डिप्रेसिंग माहौल क्यों बनाते हैं, इतना सैड माहौल क्यों बनाते हैं? देखें, ये कौम जो है ये लिखने वाली कौम है, ये हर जगह लिखती है। कहीं नहीं तो आप पब्लिक वॉशरूम में जाए वहाँ नंबर लिखे होते हैं। मैंने तो कई दफा किए हैं फोन इन पे, फिर मैंने फोन किए तो इनके नंबर निकल आए। आपने लिखे मेरा नंबर कौन लिख रहा है? पता नहीं कहीं कहीं जगहों पे लिखे, मैं नीपा वाले पे भी लिखा हुआ आपका। सर मेरा एक मेरा छोटा सा सवाल है। जी बिल्कुल जी। क्योंकि मैंने आज आपसे पहली बार लाइव मुलाकात किया तो मैंने कहा पूछ लूं, आज बुरा तो नहीं मानेंगे? तो सर मेरा फैन मोमेंट में जी 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 फैन मोमेंट में आज एक सवाल है। जरूर पूछिए। टोपी में से बाल निकल रहे या बालों में से टोपी निकल रही? ये टोपी और बालों में से मैं निकल रहा हूँ। कामरान भाई के लिए दो पंखड़ियाँ अर्ज करूंगा। इरशाद, दो पंखड़ियाँ हैं। इरशाद कहिएगा। इरशाद कि जुल्म के पहाड़ क्यों मूंड रहे हो? अच्छा, वाह वाह। जुल्म के पहाड़ क्यों मूंड रहे हो कामरान भाई? रहते लाहौर में हो, कराची में क्यों घर ढूंढ रहे हो? अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं। इतना वक्त कराची में गुजार रहे हैं तो लोग तो ये कहेंगे। मुझे लग रहा है T20 में मैं नहीं आ रहा। कामी भाई हमें भाग गए हैं। वाह वाह वाह। कामी भाई हमें भाग गए हैं, एक महीने में 4 करोड़ अमरूद खा गए। ये तो बहुत बड़ी मुखबरी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि इतनी हमारे यहाँ आजकल हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई आपने हमारे सियासतदानों के लिए कुछ लिखा है? मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं हालात के ऊपर लिखता हूँ, इस वक्त इस हालत के लिए अभी जो यहाँ मौजूद है चंद पंखड़ियाँ नोट किया, वो अपनी बात में भी हंस रहे हैं। ये है मेरी शायरी में दुनिया हंसती है, और आपको देख के तो फिर इतना क्यूट बंदा है ये, इसके लिए मैंने लिखा है कि अर्ज किया है मिश्रा उठाइएगा के आदि को जी जी देखते ही दिल हो जाता है अम्यूज। देखते ही इंग्लिश डालिए। ओके ओके। आदि को देखते ही दिल हो जाता है अम्यूज, और नजीब भाई हर शो से पहले हो जाता है कंफ्यूज। भाई पसीना देख के वो वैसे ही आता है। ये बताइए ये अच्छा चले, फिर आपसे थोड़ी देर बाद फिर आपकी तरफ आपने आता हूं। जो उसका कहा था एक इरशाद कर देता हूं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जो है वो नहीं आप जो है सिर्फ ये शायरी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या क्रिकेट विकेट का भी शौक है? क्रिकेट का शौक है, लेकिन बस क्या करिए कि भाई दिल थोड़ा सा टूट सा गया है, क्योंकि इस शहर में रहते हैं, इसकी टीम थोड़ा जो हारी है जी। दो मुखड़े उसकी लिए भी आते हैं। इरशाद क्या अर्ज किया है कि ये लम्हा आखिर कैसे बीतेगा? ये लम्हा आखिर कैसे बीतेगा? बीतेगा किसी ना किसी दिन तो कराची किंग्स जीतेगा। हाँ। आएगा एक दिन ये मुझे लगा है जरा जोर का।